देखिए, विनेश फोगाट वाले मसले पे जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, मैंने एक शब्द उसके बारे में नहीं बोला। और मैं पूर्व खेल मंत्री था, स्पोर्ट्स कोड में लेकर के आया और स्पोर्ट्स फेडरेशन के खिलाफ में मैं जम करके मैं बोला भी और मैंने कानून भी बनाए, लेकिन बावजूद इसके ऊपर मैं नहीं बोला, क्योंकि मेरा मानना था कि इसके अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। और मैं उसी भावना के साथ में आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनेश फोगट के साथ में जो हुआ है, ये हमारे देश के एक धरोहर के साथ में जो हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश ने गोल्ड मेडल खोया है और एक गोल्ड खोया है विनेश फोगट के रूप में। तीन गलतियां बड़ी सीधी सीधी नज़र आती हैं। सबसे पहले तो विनेश फोगट जब 53 kg में जाने के लिए तैयार थी, 50 kg में उनको जब भेजा गया, उन्होंने कहा कि जो 53 kg के अंदर जो सेलेक्ट हुई हैं उनके साथ इनका मुकाबला करा दिया जाए और अगर ये जीत जाती तो इनको 53 kg में भेज दिया जाए, तो क्यों इस तरीके से नहीं हुआ? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो उनके समर्थक हैं वो कभी चाहते ही नहीं थे कि विनेश फोगट कोई मेडल जीते। अगर वो चाहते होते तो उसको 53 kg के अंदर उसका मुकाबला करा सकते थे, जिसमें जो उसका फॉर्म था वो बहुत आराम से वहाँ पर जीत सकती थी। दूसरा सबसे बड़ी कमी इसके अंदर मैं भारत सरकार की मैं कहूँगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया, उसके कार्यकारी अध्यक्ष उसमें बना दिए गए। तो जब सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो उसके कार्यकारी अध्यक्ष को बाहर जाने की इजाजत ओलंपिक्स में कैसे मिल गई? हमारे समय के ऊपर, मेरे समय के ऊपर लंदन ओलंपिक्स के अंदर सुरेश कलमाडी जाना चाहते थे एथलीट फेडरेशन के तौर के ऊपर, हमारी पार्टी के थे, हमारी पार्टी के एमपी थे। मैंने बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैंने मना करा कि ये नहीं जा सकते। हाई कोर्ट के अंदर जब केस हुआ, भारत सरकार ने, जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मैंने कहा कि इनको नहीं जाने देना चाहिए, ये भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस वक्त कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष को इस बार वहाँ पर भेज दिया गया, इनको रोका जाना चाहिए? आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि 40 दिन लगातार सड़क के ऊपर जो एथलीट जिस फेडरेशन के खिलाफ में लड़ रही हो वो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए? तो ये कहीं पर भी एथलीट के हिसाब से, भारत के हिसाब से गोल्ड मेडल भारत को मिल जाए, इस हिसाब से नहीं सोचा गया। सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई को सोचा गया और स्पोर्ट्स मंत्रालय को मैं इस दूसरे काम के लिए, ये दूसरी कमी उनकी नज़र आती है। तीसरी कमी जो स्पोर्ट्स मंत्रालय की इसके अंदर बड़ी सीधी सीधी नज़र आती है, स्पोर्ट्स कोड 2011 के अंदर मैं लेकर के आया था और उसके तहत भारत सरकार के पास में ये अधिकार है कि जब भी स्पोर्ट्स बॉडीज़ के अंदर इस तरीके से आपस के अंदर मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको टेक ओवर करके उसको ठीक कर लेता है। और जब तक ठीक नहीं होता, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसको, उसके अफेयर्स को मैनेज करती है ताकि सब लोग साथ रहें। मैं ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो मेरे समय के ऊपर इस तरीके से हुआ था और हम लोगों ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मिल करके टेक ओवर किया, ठीक होकर के वापस दिया और वो सारी की सारी गाड़ी पटरी पे बैठ गई। तो यहाँ पर क्यों नहीं इस वक्त हुआ? सिर्फ इस वजह से कि अपने राजनीतिक कारणों से, अपने राजनीतिक विश्वास पात्रों की मदद करना, इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। भारत सरकार अगर इसके अंदर राजनीति लेकर के आएगी और राजनीति के हिसाब से सोचेगी तो हमारे हाथ में मिले मिलाए मेडल भी हमारे हाथ से इसी प्रकार से जाएंगे जैसे विनेश फोगट का गया, और इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।